अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बीजेपी आज अपना 38वां स्थापना दिवस मना रही है। दो लोकसभा सीटों से शुरू हुआ यह सफर आज 21 राज्यों तक जा पहुंचा है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है, तो वहीं 21 राज्यों में बीजेपी सत्ता पर काबिज है। लेकिन कैसे दो सीटों से शुरू हुआ यह सफर इस मुकाम तक पहुंच गया, आइए इस खबर में समझते हैं। 6 अप्रैल 1980 मुंबई, ये वो दिन था जब अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की कमान संभालते हुए अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हुंकार भर रहे थे। पार्टी में नई ऊर्जा तो थी, लेकिन साल 1984 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी महज 2 सीटें ही हासिल कर सकी। खुद अटल बिहारी वाजपेयी भी अपनी सीट नहीं बचा सके। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की राजनीति में नया मोड़ आया और धीरे धीरे बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने लगी। शुरुआत में तय हुआ कि सत्ता का रास्ता राम मंदिर से होकर गुजरेगा, लेकिन अटल इसके लिए तैयार न थे। इसके बाद कमान आडवाणी ने संभाली और बीजेपी में उग्र हिंदुत्व का दौर शुरू हो गया। 1991 के आम चुनाव में आडवाणी की रथ यात्रा ने काम कर दिया और 2 सीटों वाली बीजेपी 120 सीटों पर कमल खिलाने में सफल रही। साल 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 161 सीटें मिली, लेकिन सरकार बनाने के लिए उसे गठबंधन का सहारा लेना पड़ा। वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन 13 दिन बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। साल 1998 और 99 में हुए मध्यावधि चुनाव में बीजेपी 182 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। लेकिन 2004 में हुए चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी और अगले 10 सालों तक उसका कोई सानी नहीं रहा। साल 2014 में आम चुनाव में बीजेपी ने पूरे दमखम से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। देश में बीजेपी की लहर बनी, पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ 282 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। गुजरात में जीत की हैट्रिक लगाने वाले नरेंद्र मोदी को जनता ने अपना सिरमौर चुना। देश की राजनीति में मोदी शाह युग की शुरुआत हुई। वर्तमान में कुल 21 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, जबकि 17 राज्यों में उसके अपने मुख्यमंत्री है। बीते 37 सालों में बीजेपी ने एक लंबा सफर तय किया है। उसका बढ़ता जनाधार उसकी सफलता की नई इबारत की कहानी बयां करता है। लेकिन बैंकिंग घोटाले, दलितों, अल्पसंख्यकों और कर्ज माफी जैसे तमाम मुद्दों से घिरी बीजेपी क्या 2019 में भी कमल खिलाएगी और क्या अमित शाह की जोड़ी का एक बार फिर उदय होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।